नगर पालिका निगम भिलाई के MIC कक्ष में महापौर परिषद में लिए गए फैसले के मद्देनजर रामनगर मुक्तिधाम तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का लेआउट जारी किया गया है। महापौर परिषद ने वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत रामनगर मुक्तिधाम तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य को मंजूरी दी है। यह तालाब शहर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। 21 एकड़ क्षेत्र में फैले हुए इस तालाब का सौंदर्यीकरण 2.5 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। यह तालाब सौंदर्यीकरण होने के पश्चात सेक्टर 5 स्थित गार्डन से भी आकर्षक नजर आएगा। तालाब के सौंदर्यीकरण में लोगों की सुविधाओं को देखते हुए घूमने के लिए पाथवे, आकर्षक पौधे, पोस्ट लैंप, बैठने के लिए गार्डन चेयर, गाजीबो, फ्लावर पॉट, लैंडस्केपिंग, वॉल फाउंटेन, चारों ओर सुरक्षित घेरे के लिए फेंसिंग, भव्य आकर्षक द्वार, रात में पूरे क्षेत्रफल को रोशनी प्रदान करने के लिए हाई मास्क लाइट, पेवर ब्लॉक युक्त पाथवे, शौचालय की सुविधा, छठ पर्व को देखते हुए घाट निर्माण, चेंजिंग रूम की सुविधा, मनोरंजन के लिए बोटिंग जोन, बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रन पार्क आदि सुविधाएं मौजूद होंगी। यही नहीं, रामनगर मुक्तिधाम पहुंच मार्ग के सड़कों का डामरीकरण भी किया जाएगा। गौरव पथ से आजाद चौक होते हुए मुक्तिधाम के पास एवं पॉपुलर साइकिल स्टोर से आजाद चौक तक डामरीकरण किया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत तालाब को संवारने के लिए जो उन्होंने राशि देने की घोषणा की है, इसी तारतम्य में जो है महापौर परिषद ने माननीय नीरज पाल जी महापौर की अध्यक्षता में बैठक हुई MIC में, जिसको 2.5 करोड़ के लागत से रामनगर मुक्तिधाम तालाब, जो कि अभी जिसकी स्थिति वर्तमान में बहुत अलग है, और ये जो है 21 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ तालाब है, इस तालाब को इसके सौंदर्यीकरण के लिए विस्तृत रूपरेखा जो है वो प्लानिंग जो है वो तैयार की गई है। और इस प्लानिंग के तहत में यदि उसकी रूपरेखा प्रारंभिक जो देखा जाए, उसके तहत जो रामनगर तालाब है वो बहुत अच्छा ही तालाब नज़र आएगा। उसमें ऐसी सारी सुविधाएं जो जैसे बच्चों के लिए चिल्ड्रन के लिए प्ले हो गया, प्लेइंग जोन हो गया, लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, पेवर ब्लॉक की व्यवस्था हो जाएगी, फेंसिंग की व्यवस्था हो जाएगी, बोटिंग जोन की व्यवस्था हो जाएगी। इस प्रकार से जो गजीबो है बैठने के लिए बुजुर्गों के लिए, सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे उसका विकास किया जाएगा, उसका डेवलपमेंट किया जाएगा, और इसको माननीय MIC के जो परिषद है उसने मंजूरी दी है। और पटरी पार क्षेत्र में एक ऐसा विकास जो है वो देखने को मिलेगा जो रामनगर मुक्तिधाम के रूप में, इसकी सड़कें भी जो हैं आसपास की सड़कें उसके लिए भी जो है प्लानिंग की तैयारी की गई है, और जो ख़राब सड़कें हैं उनको भी जो है अच्छा व्यवस्थित किया जाएगा रामनगर मुक्तिधाम तालाब के आसपास का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो महापौर परिषद से माननीय महापौर जी की अध्यक्षता में मंजूरी मिली है। अब इस पर शीघ्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर अमल करते हुए इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। सर, रायपुर का जो बूढ़ा तालाब है जो काफ़ी फेमस है, क्या वैसा फील मिलेगा? देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि जिस हिसाब से विकास की जो प्लानिंग है वो हम किसी से कंपैरिजन तो नहीं कर सकते हैं कि किससे अच्छा होगा या इसका कंपैरिजन हो, परंतु जितना भी हम भिलाई शहर में देखते हैं तालाबों को, तो बेहतर तालाब जो है, बेहतर से बेहतर तालाब रामनगर मुक्तिधाम को मिलेगा। इनके अलावा सेक्टर 9 स्थित तालाब तथा सेक्टर 2 स्थित तालाब का भी करोड़ों की लागत से सौंदर्यीकरण कर कायाकल्प किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।